दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा। आप सबको मेरी तरफ से, आयरा की तरफ से और हम सब की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हज मुबारक और ईद मुबारक। तो ये ईद जो है ये आयरा की पहली ईद है, क्योंकि अगर आप व्लॉग्स पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि छोटी ईद पे आयरा मैडम ने दुनिया में आने से इनकार कर दिया था। वो ईद के दो दिन बाद पैदा हुई थी माशाल्लाह, तो हम एक्चुअली ईद मना नहीं सके थे उस तरह, क्योंकि हम हॉस्पिटल में थे ज़्यादा टाइम। तो इस दफ़ा बड़ी ईद हम आयरा के साथ मना रहे हैं, जो आयरा की पहली ईद है। तो आइए आप भी हमारे साथ रहें। ये है हमारा ईद का नाश्ता, हलवा पूरी, जो कि एक्चुअली आया जुल्फी भाई के ससुराल से और जुल्फी भाई खुद काम पे हैं, तो इसका मतलब है कि हम ज़रा खा के इंजॉय करते हैं। जब ईद का दिन होता है पाकिस्तान में, स्पेशली बड़ी ईद, तो माहौल कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ वो माहौल नहीं है। तो अम्मी से पूछते हैं कि बड़ी ईद पे पाकिस्तान में क्या नाश्ता होता है। हाँ जी अम्मी जी, बताएं ज़रा बड़ी ईद पाकिस्तान में कैसे होती है। कुर्बानी करो ईद दी, लेकिन बड़ी ईद पे बहुत काम होता है ना पाकिस्तान में, क्योंकि वो कुर्बानी में गुजर जाता है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। और मुझे अभी भी याद है कि कुर्बानी के फौरन बाद, क्योंकि सुबह सुबह ईद की नमाज के बाद कुर्बानी स्टार्ट हो जाती थी। हाँ। तो फिर अब्बू जी जल्दी जल्दी जो कलेजी वगैरह होती थी घर भेजते थे पहले। हाँ, कि ये पहले तैयार करेंगे, पहले खानी है कलेजी, पहले पका के फिर सारे निके निके नाश्ता करना, सवेरे खाना सारे। तो यहाँ तो सारे कुर्बानी इस तरह नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तान में सुबह हमारी तरफ से कुर्बानी होगी इंशाल्लाह। आज तो नहीं करेंगे वो, क्योंकि पाकिस्तान में ईद है कल, कल करेंगे इंशाल्लाह, सारे कुर्बानी हो जाएगी। तो माहौल तो सारा ईद का जो है वो पाकिस्तान में ही। हाँ, इतने तो ये डिप्टी वाले ने डिप्टी देनी है। बकर अभी काम से आया है, वो तैयार हो रहा है। जुल्फी भाई अभी काम पे हैं, काम थे तो वो आएंगे। फिर आशा शोएब भी बाद में आएंगे शाम को, तो फिर हम एक्चुअली ईद मनाएंगे। फिर सारी ईद होनी। ईद मुबारक जी। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। और ये नाश्ता जो है ये आया है आपके घर की घर वालों की तरफ से जी। तो जुल्फी भाई तो इधर है ही नहीं, तो जुल्फी के लिए उन्होंने तो उन्होंने अपने दामाद के लिए भेजा, आपके लिए नहीं। उन्होंने मेरे लिए भेजा। ना ना, ये शर्म ही आपकी। उन्हें पता है कि वो काम पे है, उन्होंने सब घर वालों के लिए भेजा। अच्छा, चलें फिर हम खा लेते हैं। हम खा लेते हैं, हमारा हक बनता है। सजना जी वारी वारी जाऊं मैं तो ही तो हंस रही है। सजना जी वारी वारी जाऊं मैं तो ही तो मेरा संसार है, ऐसा मेरा ओ अच्छा, आप ही गाना गा रही है। एक्चुअली आज हमारा ईद पे प्लान है बारबेक्यू का, और इसके पीछे भी एक स्टोरी है। हाँ, तो अस्मीर बताएं जरा बारबेक्यू की स्टोरी क्या है, जो पिछली ईद पे एक्चुअली बारबेक्यू होना था। पिछली ईद वाला तो रह गया था। हाँ, तो हुआ ये था कि पिछली ईद पे हमारा प्लान था कि बारबेक्यू होना है, तो इसलिए अस्मीर बहुत एक्साइटेड भी थी। तो जब हम ईद के दिन गए, एक्चुअली चेकअप के लिए गए थे, हमारा ख्याल था कि हम चेकअप के बाद वापस आ जाएंगे, तो उन्होंने वहाँ एडमिट कर लिया यास्मीन को। तो ये थोड़ी शॉक में थी, पता है मतलब प्रेगनेंसी भी होती है इतने में इनकी इमोशंस और सब कुछ, तो ये रोने लगी और कह रही है मैंने तो बारबेक्यू खाना था। असल में
मुझे ये था कि अचानक ऐसे हाँ बात हो गई अचानक, लेकिन आपने कहा इस तरह ना कि बारबी को, मैंने कहा अच्छा ये सबसे, और दूसरा ये सबसे बड़ी बात है कि बारबी क्यों नहीं मिला मुझे वो काफी देर उसे खाया नहीं था ना शायद मैंने घर में, नहीं हमने घर में काफी ऐसे किया नहीं था वैसे बारबी क्यों, तो वो दूसरा ये कि सारे इकट्ठे हुए हुए थे तो मजा आना था बहुत। हाँ आप लोग भी पता, दो दिन बाद चले गए, इमरजेंसी में आए, मेरे लिए ही आए थे तो, लेकिन कोई बात नहीं आज करेंगे हम इंशाल्लाह बारबेक्यू, मौसम अगर हमारा साथ दे। वैसे तो बारिश की पेशगोई नहीं है, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हुई थी। नॉर्वे का मौसम कोई उसको पता नहीं चलता कि एक पल में तो अल्लाह पल में माशाल्लाह, नाकाबिले यकीन है। लेकिन हम दोनों की तरफ से, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, क्योंकि मैं और आयरा कह चुके हैं ईद मुबारक सबको, अकेले के बोला आपने। हां तो अभी हम बाकी सब का इंतजार कर रहे हैं, सब जमा होते हैं तो फिर हम शुरू करते हैं ईद मनाना। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, असल तो ईद इधर है ना, वाह वाह शेब, ईद मुबारक। तो ईद के दिन आए हमारे घर मेहमान, और ये है मेहमान। अम्मी आपने खरीदे? नहीं मैंने खरीदे, या खुद किसी दोस्त ने। तो कुछ दिन यहाँ मेरे दिल से खरीद रहे थे, सोने लग गए। अच्छा। और इसके साथ ईद बारबेक्यू का आगाज हुआ चाहता है। इधर है हमारी बारबेक्यू मास्टर अदीला, अदीला बाबी। और यहाँ है हमारे दो खाने के एक्सपर्ट, मतलब जो बारबेक्यू होएगा सबसे पहले ये दोनों खाएंगे। अदीला बाबी के आज बारबेक्यू मेन्यू में क्या क्या है? आज स्टिक्स हैं और टिक्की हैं और क्या है, चिकन लेग्स हैं, माइस है, आलू है। माइस क्या होती है? कॉर्न। कॉर्न मतलब छलियां, सीधा बोला करें क्या मतलब है, मेरे रोले में पड़े हुए हैं। हाँ वैसे ईद के खाने का मेन्यू हमने बहुत हद तक सिंपल रखा इस दफ़ा, बारबेक्यू का आपको अभी बताया अदीला बाबी ने, जो बारबेक्यू का मेन्यू, उसके अलावा पुलाव होगा और नान होगा, बस फिर इंजॉय करेंगे हम। ये जी हमारी चाय आ गई है अबू बकर। हाँ आप जरा चाय पे एक शेर हो जाए ना जरा। मैंने कपड़े बदले हैं। मैंने चाय का कहा था कपड़े बदलने पहनना है। चाय ये ऐसे तो चवल मारी है, चाय अंदर आ गई है ना। नहीं आप आई है तो आई को नहीं पीछे। फिर हम वही कह लेते हैं जो जैन उल आबिदीन हर ब्लॉग में कहता है, एक कप चाय, आय हाय आय हाय। वाह आप कोई शेर सुनाएंगी चाय पर, चाय के मुद्दे पर आज कुछ शेर हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बात हुई, मुझे नहीं आता। अच्छा चाय बनानी हो, चाय पीनी हो, हमेशा देर कर देते हो। आया वड्डा चाय ना दम नीर न्याजी। जरा म्यूजिक ना हो जाए। बिना गलों विच आउणा चाहुंदे सदड़ाए वल दे नी हार दिए। अम्मी इधर बना रहे हैं पुलाव अपना, मटर पुलाव। तो मैं अभी पास आया, मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी आपने कपड़े चेंज भी कर दिए जो ईद वाले पहने थे। तो फिर अम्मी ने कहा नहीं कपड़े तो वही हैं, आप जो अपनी सन ग्लासेस जरा उतार के देखें। तो ऐसा भी हो जाता है ना, खुद आप भी ऐसा होता है जब आपने कभी सन ग्लासेस, जब अम्मी आँख में टीका लगवा के आते हैं ना तो फिर सन ग्लासेस लगानी पड़ती, फिर आगे कहते हैं बहुत अंधेरा हो गया, आप लोग अलग से नजर आ रहे हो।
लेकिन आपने दुपट्टा भी चेंज किया है। दुपट्टा मैं इसके लिए चेंज किया जरा चावल पका ला ना फिर मेरे आप को जला दे। ओके चले सही है। चलो सही है। ईद मुबारक। देखे जी कौन आया है हमें ईद मिलने। ईद मुबारक यंग मैन। खैर मुबारक जनाब। क्या है मैंने सुना है कि बारबेक्यू मास्टर हो आप। देखें कैसा लगाया है बाद में दिखाऊंगा। मतलब अभी अभी कदम रंजा फरमाया आपने इस घर में तो आपने क्या लगाया जी। अभी लगाया अभी मैंने लगाया ना जी अभी हर चीजों के मास्टर हैं पर वो कई चीजों के मास्टर है बारबेक्यू के नहीं। शायद ने आज गल कर दी थी। उसने खाया नहीं कभी बारबेक्यू मेरा ना। वो शायद खाना भी नहीं चाहता होगा। उसको चर्सी टिक्के पसंद नहीं है ना। यहाँ चाचू भतीजी की गपशप चल रही है। ईद मुबारक। ईद मुबारक जुल्फी भाई। ईद मुबारक। ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फी भाई। ये आयरा की तरफ से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। एक तो ये इतना प्यारा सेट उसका पूरा माशाल्लाह। और इतनी खूबसूरत फ्रॉक कपड़े लेकिन साइज 3 से 6 महीने थोड़ा सा बड़ा होगा शायद लेकिन पहन सकती है अभी। शर्मिला भाई ने दिया है। हाँ ये मकसूद और सना की तरफ से आयरा के लिए। आयरा की मोजे लगी हुई है वैसे। ये क्या है वैसे। फीडर रखने। अच्छा फीडर वगैरह रखने के लिए। ये उन्हें रोज नहाना थोड़ी उन्हें रोज नहाना होता है। ये खिलौने ये कार्ड ये बाद में देखते हैं। बेबी ऑयल और ये भी बालों के लिए। बाल बहुत ज्यादा बड़े हैं ना। आयरा भी देख अखा च पै रहे हैं। और ये भी एक इसके साथ ये जबरदस्त। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह सोने कपड़े। ये भी प्यारे हैं माशाल्लाह। और ये पाउडर है तू ला ले। और ये भी इतने ज्यादा कपड़े आपने लोगों ने पहले भी दिए। और एक बहुत ही खूबसूरत चीज आ रही है वो जरा ना ध्यान से देखनी है। बंद कर लो सारे। बंद कर लो सारे। अखा बंद करो सारे। आयरा चाची ने कितने इधर जो गुस्से वाली है ना तस्वीर वो किसने चूज की है तस्वीर। ये बिल्कुल शुरू वाली तस्वीरों में से एक है। कोरिया इसकी वैसे ही बहुत मशहूर है आयरा की। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी। थैंक यू। आयरा इस वक्त एंजॉय कर रही है जो उसको VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है ना। आयरा मूड देखा था। खवातीन हजरात हमने नए कपड़े पहन लिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है गुड़िया। ये सही ईद वाली फीलिंग आई है ना क्योंकि दो पे तो सन ग्लासेस भी। हाय 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 सदके जाओ। कैसा लग रहा है। ईद का दिन है तो कोई ईद के हवाले से शेर ही सुना दो। मुझे तो याद आ रहा है ईद के हवाले से एक शेर। आप सुना दो ना मुझे वो शेर जो मुझे याद आ रहा है वो आपका ही है। तो किसी अच्छे बड़े शायर का है। ईद है मिलाप यानी मैं और आप। वाह 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 वाह। अब सुनाओ खुद कुछ अच्छा सा। क्या वाह वाह क्या चबन मारी। इस वक्त जुल्फी भाई जा रहे हैं अपने ससुराल
और अदीला भाभी जा रही है अपने मेके और को इंसिडेंट देखें कि उनका मेका और उनका ससुराल एक ही है, है ना, हैरानी वाली बात, हैरानी वाली बात है। लेकिन आप लोगों ने क्या चलाया हुआ, इधर खाना शाना खा के राज्य पूज के, अब उधर जाके दूसरा, पता है हमने यहाँ पे ना भूख रख के खाया, अब वहाँ पे जाके हम एंजॉय करते हैं। जुल्फी भाई ने तो भूख नहीं रखी थी, मैंने खा के खाया, मैंने रखी वहाँ जाके देखेंगे क्या बनता है, उधर जाके भी ना बस दबा के, हाँ अनिवार्य, हाँ मतलब पेट बेशक अपना लेकिन घर तो मतलब दूसरों का खर्चा हो रहा है ना, जाने दे चले जाए एंजॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अम्मी का भी सूट आ गया है ना, अम्मी कौन लेके आया आपका सूट, अम्मी आपको तो रोज ही सूट मिल रहे हैं, मतलब तो बड़े लग जाते हैं, प्यारा सही है सूट के सो, प्यारा सूट है, हमारे लिए कोई सूट शूट नहीं लेके आता, पता नहीं हम मत रहे हैं, अम्मी कपड़े बदल के आई हैं, वो जो अभी अभी अम्मी को मिले हैं वो पहन के आई हैं दिखाने के लिए, हाँ मकसूद ने दिए जो सना ने दिए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, सना के मकसूद दो ने रात नहीं सना देते, नहीं नहीं मैं देते, कैसे आपको पसंद आए, हां सही पूरे रिपीट पार्ट, हम्म, गुस्सा खा गई बच्ची हमारी, आज काला जोड़ा पास आड़ी फिर मस्त, ये अचानक काला जोड़ा क्यों पहन लिया, दिन में दो दो सूट बदली करने होते हैं, मैं बस इसी थोड़ा सा जी जी क्या बात है, बुला रही है आपको, कभी उठा क्यों नहीं रहे हो मुझे, है ना, सॉरी उठाते हैं ना उठाएं आपको, उठाएं पहले पहले स्माइल करो फिर उठाएंगे हम, स्माइल करो फिर क्या करना, हाँ बताओ, उफ ला उफ ला, सुबह से शहर कर रही हो ना, कभी उधर जा रही हो कभी उधर जा रही हो कभी उधर जा रही हो, है ना, मुझे आते हाँ पता है मुझे, बड़ी शार हो आप, बड़ी शार हो, है ना, है ना, हाँ फिर अच्छो, अब करते हैं ईद को थोड़ा सा मीठा रस मलाई के साथ, जो कि एक्चुअली मुझे ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन फिर ईद है तो खानी पड़ेगी ना, तो इसके साथ हम आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुशियों से मुसर्रतों के साथ ईद मनाइएगा, और ਰਾਤਾਂ ਦੀ